आखिर कोविड एक ऐसी महामारी है जिसको मैं महामारी नहीं कहूंगा, पर परंतु सारी दुनिया में, विश्व भर में इसने सबको एक स्थल पर ला दिया। यहाँ की यूएसए, इटली, सारी कंट्रीज, सारे देश इससे प्रभावित, सारी दुनिया इससे प्रभावित। आपको शायद पता होगा, इसका जो शुरुआत हुई वो वुहान सिटी से कोरोना वायरस के नाम से हुई, परंतु जैसा कि यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी वायरस को किसी शहर के नाम से लेते हैं, इसीलिए इसका नाम COVID-19 एक वायरस का किस्म है, और साल 2019 में स्टार्ट हुआ, तो 19 की संख्या। अब जैसा कि हमने लॉकडाउन किया, एक तरफ से लॉकडाउन ने, और हमें जब स्थिति सारे देश में बिगड़नी शुरू हो गई, तो भारत जैसे कि विश्व में इन चुनौतियों से जुटने की प्रयास में जुट गया। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और बाकी सारे जितने भी हमारे नेतागण हैं और अफसरगण हैं, जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए, जैसा कि आप सब आराम से जानते हैं, पीपी किट्स पूरे देश में, पूरे विश्व में, हम कई देश हमारे से आगे इसकी अभाव सह रहे थे, परंतु तो उस चुनौती को लेते हुए मैं अपने इंडस्ट्री, उद्योग जगत, मार्केटिंग के लोगों को और सबको इसका धन्यवाद करूंगा कि आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, हम पीपीई किट में विश्व के दूसरे नंबर पर। साथियों, ये वायरस अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, परंतु भारत में इसका जो संक्रमण जैसे कि बढ़ता जा रहा है, परंतु एक सुखदीय घटना ये है कि रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन ने हमें एक मूल्यवान चीज सिखाई कि हमें घर रहना है, मास्क डालना है, सांस लेते वक्त या खांसी करते वक्त रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं, उसके आपने प्रकरण को संभालना है, किसी से 2 गज दूरी, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, परंतु ये सारे कड़े फैसले सिर्फ हमारी भलाई के लिए लिए गए। और आज आप देख सकते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आज जब तक हम बात कर रहे हैं हम रूस से भी ऊपर चले गए, परंतु अब होम आइसोलेशन की काफी ज्यादा प्रक्रिया में लोग स्टेबल हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है, आघात करने का रेट है, वो सिर्फ 3%। हमने इसका महाराष्ट्र को चपेट में आते देखा, दिल्ली भी एकदम पीछे आया, अहमदाबाद, गुजरात, तमिलनाडु केसेस बढ़े, जहां हम टेस्टिंग में हमारे पास सिर्फ 9 लैब्स थी, आज हम इतनी है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्टिंग से हम इसको बढ़ा रहे हैं, और इसी करके संक्रमण की संख्या भी बढ़ी। इस समय क्योंकि आप जर्नलिस्ट जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने लोगों को सचेत कराया, और डॉक्टरों का कि जिन्होंने ये लड़ाई एक दीवार की तरह, दृढ़ दीवार की तरह बन के वायरस के और लोगों के बीच में खड़े हुए। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, हमारे आंकड़ों के हिसाब से हम 60 डॉक्टरों से ज्यादा खो चुके हैं, नर्सेज अलग से, और अगर आज मैं बोलता हूं कि डॉक्टरों के आईएमए की तरफ से, मैं हर एक डॉक्टर की तरफ से बोलता हूं, नर्स की तरफ से बोलता हूं, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से बोलता हूं, और इस संकट की घड़ी में पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है लोगों को कराने के लिए। जैसे कि हमने देखा, जब कोविड शुरू हुआ, हिंसा की घटनाएं बढ़ी, आज
पूरे राष्ट्र को एक बात समझनी चाहिए जो कि विश्व भी समझ गए हैं, हेल्थ केयर एक इन्वेस्टमेंट है। आप आने वाले टाइम में समय में जितना आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्वास्थ्य सेवाओं में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आगे आने वाली चुनौतियों को हम सामना कर पाए। इतने सालों स्वास्थ्य सेवाओं में कदम से कदम नहीं मिला पाई जनसंख्या के हिसाब से, इसके लिए हम मान सकते हैं कि जनता की संवेदना को समझ सकते, परंतु आपके जितने भी हैं डॉक्टर नर्सेस वो आपके लिए तत्पर हैं, सिर्फ आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनकी सराहना कीजिए और हमारी कुछ चुनौतियों को भी समझिए। ये एक ऐसी वायरस है, अगर उससे आप डर रहे हैं तो हमारे को भी डर लग रहा है, अगर आपका कोई साथी जाता है तो हमारे भी साथी जा रहे हैं। कोरोना वायरस किसी डॉक्टर किसी मरीज में भेदभाव नहीं करती और हम सब देशवासी इसका चुनौती का सामना करेंगे, दृढ़ता से करेंगे। इलाज के अलावा सबसे बड़ी बात जो हाई रिस्क एरियाज हैं, शादी ब्याह में नंबर कम कीजिए, जनसंख्या कम कीजिए, बड़े बड़ी मीटिंगों में कम जाइए और स्कूल कॉलेजेस का भी जैसा कि भारत सरकार के जो भी नियमावली आती है उसका पालना कीजिए, हाथ धोइए अच्छी तरह से, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क डालिए और किसी भी अफवाह का विश्वास नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ICMR और IMA, हम सरकार भारत सरकार होम से होम मिनिस्ट्री सब समय समय पर आपको एक एडवाइजरी जारी करती रहती है जिसके बारे में आप उसको देखें। आज क्योंकि आप जर्नलिज्म जगत के चुनिंदा लोग हैं और आने वाले समय में भारत के जर्नलिज्म का भविष्य है, तो मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूंगा डॉक्टरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए साथियों, हर एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई करके जिस भी प्रोफेशन में जिस भी प्रोफेशन को अपनाता है उसकी अपनी अपनी चुनौती। आप पब्लिक में जाते हैं तो आपकी सेफ्टी को, हम डॉक्टर अलग अलग चुनौतियां अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि एक बच्चा सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, उसी दिन से 8वीं कक्षा से उसके सोशल सामाजिक लाइफ खत्म हो जाती है और वो डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। इतने लाखों जनसंख्या की लोगों में से वो नीट अंडर ग्रेजुएट पास करते हैं और 4.5 साल पूरे एग्जाम देते हैं, फिर वो नीट PG देता है और नीट PG देके जो जूझता है सुविधाओं से असुविधाओं से अपने मानसिक तनावों से, हम काम करने से हमारे जो अध्यापक गण हैं हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं जब हम इमरजेंसी ड्यूटीज करते हैं हमारे लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता। हम 24 में से 18 18 घंटे भी काम करते हैं, कई बार बिछोना ही हमारा हॉस्पिटल का फर्श होता है या कोई बेड या ट्रॉली में, तो ये सारी स्ट्रगल करके एक डॉक्टर बनता है 14 साल। उस 14 साल का डॉक्टर आज अगर हम देखें आंकड़ों से 12 लाख डॉक्टर हैं और 130 करोड़ की जनता और 20 लाख, हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर चाहिए और हम जीवन को मृत्यु को जीवन में पलट सकते हैं, परंतु हम उसके ऊपर पार नहीं पा सकते, वो विधि का विधान है। इसी करके मैं कहूंगा समाज में हिंसा का दबाव कम होना चाहिए, डॉक्टरों की सैलरीज का सुविधाओं का हमें और से और अस्पताल बनाना चाहिए ताकि हम आपकी सेवा में और आ सके। अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है फेज 1 फेज 2, अब हमें वापस काम पे वापस आना। काम पे आने से सबसे पहले जरूरी है सावधानी, हिंदी में लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
आप सबको, आप बेशक वो रिंग टोन के माध्यम से है, सोशल मीडिया से है या प्रिंट मीडिया से है, और आपने इसमें बड़ी भूमिका भी निभाई है जर्नलिज्म के, आप सबने एक अच्छा कार्य किया है इसको और बढ़ावा देंगे। ये आपको सबसे फॉलो करनी चाहिए, जब भी समाज में कहीं जाए किसी का मास्क, मेरा मास्क नीचे है इस करके मैं घर के अंदर बैठा, ये ना सोचिए मास्क नहीं है, मास्क लेके बैठता। जब भी किसी का मास्क नाक से नीचे आए आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसे कोई नहीं रहे, मास्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो संक्रमण यहां से आ सकता है, ऐसा है तो बिल्कुल, और ऐसे का कोई फायदा नहीं, इसका भी कोई फायदा नहीं, और मास्क आपको ऐसे पूरा करना चाहिए। दूसरा, 2 गज की दूरी। तीसरा, हाथ साफ करना, सैनिटाइजर से किसी चीज को छुए अच्छी तरह से उसको सैनिटाइज, क्यों, हालांकि अभी कॉन्टैक्ट कंटेमिनेशन की जो नई CDC की स्टडी आई है उसमें वो कहते हैं कि जो नहीं है, परंतु फिर भी सावधानी, और किसी भी चीज को हाथ लगाते मुंह आंख या कान पे नहीं, ये तो है। दूसरा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कभी भी नजला खांसी जुकाम बुखार ज्यादा देर रहता है तो इमीडिएट, आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपनी जांच कराएं, अब तो टेस्टिंग अवेलेबल है, नेगेटिव टेस्ट आता भी है डॉक्टर की सलाह को माने, और समझे इस बात को कि आपको होम आइसोलेशन की अगर जरूरत है तो आप इसे जा पा सकते हैं। होम आइसोलेशन में खिड़कियां खुली रख के, आम हवा, खिड़कियां से हवा आनी चाहिए, अपने को अपने परिवार से अलग कीजिए, और जब तक ना संक्रमण खत्म नहीं होता, जो कि टेस्ट से पता चल जाएगा आपको, या 14 दिन के बाद अपना ध्यान रखें, और पौष्टिक आहार लें, दूरी रखें सबसे। अब इसके बाद समाज में भी जहां जहां गंदगी है, हम सबको एक जागरूक इंसान बनना है, हिंदुस्तानी बनना है, ताकि हमारे को उससे बचाना है। अब जैसे ही आपको संक्रमण हो तो अपने परिवार पर, परिवार के लोगों से अलग रखें, घर के बुजुर्गों को बिल्कुल अलग रखिए, उनको इससे बाहर रखिए, और जाके अगर आप बाहर किसी कार्य में करते हैं, जैसे आप जर्नलिज्म में बाहर फील्ड में जाते हैं, कोई मेरा साथी सेवा करता है, या कोई नौकरी करता है बाहर, बाहर से है, उतारे सबसे पहले सलाम कीजिए, हाथ धो के, और उनका बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, और बुजुर्ग अपना भी खास ध्यान, इन सब चीजों से संक्रमण को रोका जा सकता है। और अगर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब काफी हद तक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फॉलो होके, बस इसमें सिर्फ इतना ही है आपसे मैं आग्रह करूंगा, अपने जो संक्रमण के या किसी भी सिम्टम को आप नजरअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स देख लीजिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में, और अपना ध्यान रखिए, सही टाइम पे इलाज से काफी ज्यादा मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं वो कम हो रही है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नंबर हमारे को डराते हैं, परंतु आप ये भी देखिए कि सीरियस वेंटिलेटर ICCU बेड्स काफी हद तक खाली पड़े, और रिकवरी रेट भी 60 से ऊपर पहुंच चुका है नेशनल, और अगर कई जगह देखें तो कई जगह तो बहुत ही ज्यादा है, डबलिंग रेट, फ्लैटनिंग। अब धारावी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे समाज के सारे तबके ने मिलकर, डॉक्टर्स, समाज सेवी, पॉलिटिशियंस, सबने ऐसा काम किया कि धरावी का कर्व को फ्लैटन करके धरावी पे काबू पा लिया जाए। यही अच्छा कार्य दिल्ली में भी देख रहे हैं, गुड़गांव में भी देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं, गुजरात में भी देख रहे हैं, क्यों, हम देशवासी जब अपनी ठान लेते हैं तो हम करेंगे ही करेंगे। आपने अपने सर्फेस, जहां भी आप काम करते हैं, अपने डेस्क को रेगुलरली साफ करेंगे, पब्लिक डीलिंग में जाते हैं तो ग्लव्स डालने में भी कोई हर्ज, संक्रमण में कोई भी साथी हो टेस्ट कराइए, साथ के साथ आइसोलेशन में जाइए, और उस चीज का ध्यान रखिए, बाकी इलाज और भी आगे, वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे
कि आज आपने पढ़ भी लिया होगा। वैक्सीन जब भी आएगी, साथियों मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी जनसंख्या अगर एक तरफ हमारी शक्ति है, तो हमारी जनसंख्या एक चुनौती भी है किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए। इन सेवाओं को 130 करोड़ जनता तक पहुंचाना, हम तत्पर हैं, हम रहेंगे, करते रहे हैं, करते रहे। परंतु जैसे आप अपने अपने फील्ड में आगे जाएं, एक तालमेल प्रेस मीडिया डॉक्टर पुलिस, हम सारे तालमेल मिला के चलें और अपने देशवासियों के लिए सही सूचनाओं तक पहुंचाएं, इससे उम्दा चीज कोई नहीं हो सकती और हमारे भारत को इसका फायदा पहुंचेगा। हमारे भारत देशवासियों के लिए हम सब भारतवासी हैं और उनकी सेवा के लिए कार्य